सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जिनका नजरिया जैसा उसका नारा वैसा। यूपी में उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी थी होर्डिंग, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लिखी हुई होर्डिंग वाला पोस्ट देखकर अखिलेश ने फिर साधा निशाना। यूपी में पोस्टर वॉर पर घमासान जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पलटवार। अजय राय ने कहा, कहीं कोई बांट नहीं रहा है और न ही लोगों में मतभेद कर रहा है, ये काम विशेषकर भाजपा करती है, यह भाजपा का काम है। विपक्ष, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर किया जुबानी हमला। बोले, समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्ष में बैठकर नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को दी सलाह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उतना ही वादा करें जितना दे सके, ऐसा वादा करें जो बजट के अनुसार हो। खड़गे के इस बयान से सियासी हलचल तेज। महाकुंभ की यूपी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग शुरू की। वेबसाइट, मोबाइल ऐप पर विदेश से लगातार आ रहे हिट्स, ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, उग्रेव जैसे देशों से आ रहे हिट्स। सीएम योगी ने लॉन्च की थी वेबसाइट और मोबाइल ऐप। बड़े पैमाने पर लोगों ने महाकुंभ ऐप को किया था डाउनलोड। मेला प्राधिकरण ने NRI विभाग को भेजा था महाकुंभ का लोगो। 154 देशों में दूतावासों के लोगों को भेजने की प्रक्रिया शुरू। बड़े पैमाने पर विदेश से सैलानी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। मल्लिकार्जुन खड़गे के नसीहत वाले बयान के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दी प्रतिक्रिया। बोले, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार किया है, हमें केवल उन्हीं मदों के लिए घोषणा करनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास बजटीय प्रावधान और वित्तीय उपलब्धता है। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को यह पाठ पढ़ाया है? राहुल गांधी घोषणाएं करने में माहिर हैं, वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और वोटों की खातिर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि आम लोगों के अंदर सरकार विरोधी माहौल है, जिसका लाभ हमें मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल है उसके हिसाब से कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगी। दीपावली के बाद राजधानी लखनऊ का AQI लेवल ग्राफ बढ़ा। तालकटोरा क्षेत्र का AQI लेवल 350 के पार। आतिशबाजी के चलते AQI लेवल हुआ खराब। कुकरेल पिकनिक स्पॉट का AQI लेवल 242 पहुंचा। केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में AQI लेवल 264, लालबाग इलाके का AQI लेवल 258 पहुंचा। आसियाना इलाके का AQI लेवल 234 रहा। फार्मासिस्ट भर्ती के विज्ञापन की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और UP SSC से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। 20 नवंबर 2020 के PET टेस्ट को लेकर दाखिल की थी याचिका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट। प्रियंका ने लिखा, हमारे हर राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति, समृद्ध इतिहास, अनूठी परंपराएं हमारा गौरव है। ये अलग अलग विशिष्टताएं देश को एकता में बांधती है। हम विविधता में एकता की पहचान का उत्सव मनाएं। 12 राज्यों की जनता को स्थापना दिवस पर दी बधाई। दिल्ली के नवंबर महीने में 13 दिन बैंकों में रहेगा अवकाश। त्योहारों की वजह से 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं। 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 7 दिन छुट्टी। अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। दिल्ली में बैन के बाद भी जमकर आतिशबाजी। दिल्ली NCR की हवा खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब। आतिशबाजी से दिल्ली की हवा बेहद ही खराब। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 395 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में 300 के पार दर्ज किया गया AQI। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज। हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में 5 टीमें लगी। आरोपियों के मध्य प्रदेश में होने की लगी भनक। हत्यारों का सुराग लगते ही एक टीम पहुंची मध्य प्रदेश। कौशाम्बी, प्रयागराज और कानपुर के लिए टीमें हुई रवाना। 9 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। सदर कोतवाली के भिटौरा में हुई थी पत्रकार की हत्या।
5 नवंबर को सांसद राहुल गांधी आएंगे रायबरेली। जिला सतर्कता अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक लेंगे। राहुल गांधी की अध्यक्षता में 5 नवंबर को दिशा की बैठक। नगर पालिका के कार्यों का कर सकते हैं लोकार्पण। हरदोई में एक अनोखी घटना सामने आई। शराबी ने 250 ग्राम आलू चोरी होने पर पुलिस बुलाई। पुलिस से जांच कर आरोपी को पकड़ने के लिए अड़ा शराबी। पुलिस और शराबी की बातचीत का वीडियो सामने आया। यूपी 112 पर कॉल के बाद भागती हुई पहुंची थी पुलिस। हरदोई के कोतवाली शहर के मन्नापुरवा की घटना। 4 नवंबर को प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर रहेंगे। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध करेंगे। जिला बार एसोसिएशन ने बैठक कर लिया निर्णय। वकीलों ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद जिला जज के तबादला की भी मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से प्रदेश की तरक्की का काम करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कही बड़ी बात। असम में जो सूचना आ रही है उससे यही पता चलता है कि जेएमएम और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है। चाहे वहां पर भाजपा के नेता कुछ भी प्रचार करे, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के कामों को देखकर लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसलिए हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। हापुड़ में जहरीले सांपों की लगातार दस्तक जारी। घर में विशालकाय कोबरा सांप निकलने से हड़कंप। कोबरा सांप देखकर छोड़कर भागे परिवार के लोग। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास का है पूरा मामला। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला। जिला जज के पक्ष में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ यूपी न्यायिक सेवा संघ ने हाईकोर्ट महानिबंधक को लिखा पत्र। बीते दिनों में वकीलों के हंगामा का वीडियो हुआ था काफी वायरल। संभल में सौतेले पिता की तालिबानी करतूत आई सामने। दो मासूम बेटों को पिटाई के बाद टॉयलेट में किया बंद। 3 दिन तक टॉयलेट में रखा बंद, नहीं दिया खाना। पत्नी की मौत के बाद बच्चों पर ढाया जुल्म। बच्चों ने रोते हुए सुनाई दिल दहला देने वाली अपनी पूरी दास्तां। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दर्ज किया केस। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। हयात नगर क्षेत्र के दौलतपुरी गाँव का है पूरा मामला।